स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसी एजुकेशन हब बानसूर। लेट्स स्टार्ट क्लास 12 बायोलॉजी। ओके, एंड आवर न्यू चैप्टर एंजाइम गोइंग ऑन। सो लेट्स कंटिन्यू द अनदर टॉपिक ऑफ एंजाइम। टुडे डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंजाइम्स आर क्लासिफाइड और डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, सिंपल एंजाइम्स एंड कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स। ओके, सो एज वी नो दैट मेनली और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ओके, सो दोज एंजाइम्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन और विच आर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स आर नोन एज सिंपल एंजाइम्स। ओके, एंड दीज आर स्पेशली पेप्सिन, यूरियाज, दे आर कंप्लीटली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन पार्ट, सो दीज आर नोन एज सिंपल एंजाइम्स। ओके, अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स। सो दीज आर दोज एंजाइम्स विच आर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट ऑल्सो। सो कॉम्प्लेक्स एंजाइम कंटेन प्रोटीनियस पार्ट्स, ओके, विच आर नोन एज एपो एंजाइम, एंड नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज नोन एज कोफैक्टर्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्स एंजाइम, बट बिफोर दैट हैव ए लुक ऑन द राइबोसोम्स। सो दिस इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ एंजाइम which is discovered in ancient time. The main thing is that about the ribozyme, it is a non-protein enzyme. Always remind it, because it is an exceptional. So it is a non-protein enzyme which is consists of RNA. Okay, and it play a vital role in RNA splicing, or it act as a biocatalyst. Okay, now let's discuss about the complex enzymes. Okay, complex enzyme contains both proteinaceous parts and non-proteinaceous parts. Okay, so proteinaceous part is consist of apo enzyme, and non-proteinaceous part is consist of cofactor. Okay, so proteinaceous part is known as apo enzyme. ये प्रोटीन पार्ट होता है। इसकी अगर हम डिटेल स्टडी करें तो देखिए, प्रोटीन पार्ट है, सो प्रोटीन्स आर कोलाइडल इन नेचर। ओके, इट मींस दे हैविंग द वेरिएबल डायमेंशन एंड दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ रिएक्शंस। दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ रिएक्शंस। दीज एपो एंजाइम्स हैविंग सम स्पेसिफिक साइट्स where the substrate can bind with them. Okay, and these sites or pockets are known as active sites. These active sites are present over the apo enzymes. Okay, now let's discuss about the cofactor, because proteinaceous part apo enzyme and non-proteinaceous part cofactor, they combinedly to form holo enzyme. So these non-proteinaceous parts are known as cofactor, and they are later on divided into three parts. Okay, on the basis of their nature and on the basis of their bonding. So the first one is prosthetic group. Okay, these are organic in nature, organic compounds, and they are firmly attached with the apo enzyme. यानी अगर हम बात करें prosthetic group की, तो ये जो एंजाइम्स के नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं एपो एंजाइम के साथ। इनको सेपरेट करना इजी नहीं है, इट मींस इट इज हार्ड टू सेपरेट दीज नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स फ्रॉम द एपो एंजाइम। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो साइटोक्रोम, ओके, एंड फ्लावा प्रोटीन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचर में, फिर्मली यानी स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, कैन नॉट बी इजिली सेपरेबल। सेकेंड टाइप जो है कोफैक्टर्स में या नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं, वो होते हैं कोएंजाइम्स। ये भी नेचर में ऑर्गेनिक होते हैं, बट द डिफरेंस इज दैट दे आर लूजली अटैच विद द एपो एंजाइम। यानी ये बहुत ही लूजली अटैच होते हैं, इनको इजिली हम सेपरेट भी कर सकते हैं। इनमें कौन से आते हैं? इनमें आते हैं एनएडी, NADPH, okay, FAD, understand? So देखिए बेटा, निकोटिनामाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, ओके, फ्लैवा
that is FAD, NAD. These are the examples of coenzymes. Is that clear? इनकी full form, इनकी detail हम next जो respiration या photosynthetic chapter उसमें आपको बताएंगे. And the third one is activator. Okay? Activator क्या होते हैं? These are the metallic ions. ये भी non-protein part है. ये metallic ions है जिनका main function होता है, they are forming a bridge. Okay? They are forming a bridge. यानी हम कह सकते हैं ना तो वो loosely attached होते हैं ना वो strongly attached होते हैं. But they are forming a bridge. With the apoenzyme, यानी for example इनके बीच में एक short connection होता है, okay? इस तरह से directly attached नहीं होते, they are forming a bridge with the apoenzyme. These are known as the activator. So ये थे three types के आपके cofactor जो कि non-protein part है, okay? और एक protein part है that is known as apoenzyme. और दोनों ही combine करके क्या बनाते हैं? Holoenzyme. So this is about the structure of the enzyme. आपको याद रखना है. ओके जो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं वो सिंपल एंजाइम्स कहलाते हैं जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पार्ट होते हैं दोज आर नोन एज कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोटीनेसिस पार्ट्स को एपोएंजाइम बोलते हैं और नॉन प्रोटीनेसिस पार्ट्स को कोफैक्टर बोलते हैं कोफैक्टर लेटर ऑन उसकी बॉन्डिंग और उसके नेचर के बिहाफ पे थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर इज इट क्लियर उसके एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं सो दिस इज ऑल आर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो सब्सक्राइब ऑल्सो Have a good day. Goodbye.